टेस्टी लग रहा है। कैसा लग रहा है टेस्ट? टेस्टी की वेरी टेस्टी। इतने टेस्टी वाले यहाँ पराठा इतने बन चुके हैं, पूरा खिला रही है। कब से मुझे मिल गया अपना रात का डिनर, इसके वजह से पूरा मस्त से खा। घूम लिया, घूमने के लिए गुस्सा हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉगिंग में थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह एकदम जल्दी जल्दी में थी। आज कल रात को मैं कटिंग नहीं की थी, मुझे कटिंग भी करना था और फिर मुझे आज वो कपड़े देने थे, इसके वजह से मैं जल्दी जल्दी की। तो अभी जाना होगा, अब कटिंग भी हो चुका है और अभी मुझे फ्रेश होकर दुकान के लिए रेडी होना होगा। फिर आज के दिन पे क्या होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी तक तो कुछ पता नहीं है होगा क्या, आगे जो जो होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं फ्रेश होकर दुकान के लिए। और पड़ी इधर गुस्सा हो गई है, आज सुबह सुबह गुस्सा हो गई है, गुस्सा में पड़ी बोल रही है हमसे मत बोलो। आप गुस्सा होते होते रोने लग गए। आज के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बन रहा है आलू, चना दाल और पपीता की सब्जी। इस तरह से सब्जी, ये तीनों डाल के सब्जी बनाने में काफ़ी टेस्टी लगता है क्योंकि पपीता तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो हमने सोचे आज पपीता ही डाल के सब्जी बनाएंगे क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं। ये वाला खाने का मन जा रहा था तो ये वाला बना रहे आज, आलू चना दाल। गुस्सा खत्म। घूम लिया, घूमने के लिए गुस्सा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं, बाय, टेक केयर। आप नहा के आना, ठीक है, नहा के आना। हाँ नहा के आना, बाय, टेक केयर कर दो। हाँ नाना भेज दे, बाय, टेक केयर करो, टेक केयर। अभी अपना ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और फ्रेश भी होके मस्त चल रहे दुकान और देखते हैं आज के दिन पे कितना सिल पाएंगे। सबीना इधर जा रही है, आगे 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 क्यों जा रहे, पीछे पीछे आप। सबीना को भी थोड़ा एक जगह दिखा देते हैं, दिखा देती हूँ, हाय हेलो कर दो। हाय हेलो तो जोर से बोलो। मैं आई थी लाडो को लेने के लिए क्योंकि लाडो के स्कूल में ऑर्डर मिला है कि लाडो को अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो लाडो दो दिन अकेले आई थी तो आज मैं सोची हूँ कि चलती हूँ लेकर आ जाती हूँ। और ये आज पूरा गर्मी नहीं लग रही इसमें, हाँ ना, गर्मी में भी स्वेटर पहनी है, पता नहीं इसको गर्मी लग रहा है कि नहीं। तो मुझे इतना गर्मी लग रहा है क्योंकि मैं बिना छाता का आई हूँ, इसके वजह से शायद। चलते इसको लेके देखते आप लोग कितना टेस्टी है ये वाला, एकदम अभी एकदम ताज़ा है, इसके वजह से पूरा पेड़ से तोड़ के लेकर आई हूँ इसलिए पूरा टेस्टी लग रहा है। और ये कितना टेस्टी दिख रहा है, किसी के भी मुँह में पानी आ जाएगा इसको देखने से। तो अभी दुकान से वापस आ चुकी हूँ लंच करने के लिए और अभी मुझे लंच करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी मैं दुकान से फिर से लेकर आई हूँ पमेलो, जिसको डबा टेंगा बोलते हैं हम लोग, वो लेकर आई हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा छीलूंगी और आज ज़्यादा लोग नहीं है, बस हमारे अम्मी रहेगी, कोई कोई बस दो तीन लोग ही खाएंगे क्योंकि बस एक ही है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा कोई को नहीं बुलाई हूँ। तभी मैं इधर छिल रही थी तो ये छिल के और खाते हैं, लंच नहीं करके मुझे ये खाने का मन कर रहा था, ये वाला ही खाऊंगी। सकते आप लोग कितना टेस्टी दिख रही है, कितना टेस्टी दिख रहा है। तभी जल्दी जल्दी ये सबको इस तरह से छोटे छोटे सेप में निकाल के इधर मिर्चा और नमक और इधर में डालूंगी जिसमें लाल मिर्च। तभी जल्दी से इसको छीलते हैं इस तरह से, टेस्टी वाला। हाँ एकदम जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में लगी हुई है क्योंकि इधर हमारा ये बन के रेडी हो चुका है और ये कितना टेस्टी लग रहा है, टेस्टी थोड़ा दिखाएंगे इनको, देख सकते हैं आप लोग कितना टेस्टी लग रहा है। कैसा लग रहा है टेस्ट? टेस्टी की वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। हमारी फ्रेंड आने वाली है तो थोड़ा वेट करते उसका, नहीं तो ये भी खत्म ही हो जाएगा हमको लग रहा है केक खाने से। तो अभी दुकान से भी वापस आ चुके हैं, अब समय है डिनर बनाने का, तो चलते हैं डिनर बनाने। और आज के डिनर पे बनने वाला है सतुआ का रोटी, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं रेसिपी दिखाऊंगी, हो सके तो दिखाऊंगी पूरा भी। तभी चलते हैं बनाने के लिए और दिखाते हैं आप लोगों को भी। यहाँ हम लोग सतुआ ले चुके हैं, हाफ के जी है शायद, हाफ के जी से थोड़ा ज्यादा है ना भी है। सतुआ ले चुके हैं, अब इसका सब मसाला रेडी करना होगा। तो अब बनाने वाली अम्मी, अम्मी को देने दूंगी मैं सब मसाला, प्याज और इसमें से लाल लाल वाला मिर्च डालेंगे क्या?
लाल लाल वाला जो है ये सब क्योंकि जल्दी खराब हो जाएगा, इसके वजह से इसको डालेंगे। अदरक लहसुन ये सब को भी काट के इसमें डालते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। यहाँ मैं सब काट के रेडी कर चुकी हूँ। अदरक ये है लहसुन अदरक हरा मिर्च में से सबसे लाल लाल वाला मैं बाँच के काटी कूट दी हूँ, और इधर प्याज और इधर धनिया पत्ता और इधर अमी डाल चुकी है हल्दी जवाइन काला जीरा और यहाँ नींबू के रस, ये वाला नींबू के रस जो अचार के लिए बना के रखी थी उसमें से, और इधर तेल और इधर नमक। अब ये सब डाल के सब मिक्स करके रेडी कर लेते हैं मसाला को, फिर उसके बाद इसको रोटी में डालेंगे। यहाँ मसाला बन के पूरा रेडी हो चुका है। अब मुझे आटा सानना होगा, इसके लिए मैं इधर पानी गर्म रख चुकी हूँ। पानी गर्म हो जाएगा, आटा सान लूँगी, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो यहाँ मेरे अब्बू बना रहे थे अपने लिए ये सूखा वाला, बिल्कुल तेल नहीं चाहिए उनको क्योंकि उनको थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो एकदम सिंपल खाना खा रहे। तो यहाँ मैं बस बेल के दे दी थी, फिर वो आगे पे सेक रहे थे, कुछ इतने अच्छे से सेक लिए थे, पूरा उनको आदत है, हम लोग से इतना अच्छे से बनता नहीं, इसके वजह से वो बनाने के लिए बैठे थे। मैं बस बेल के दे दी थी और तवे पे थोड़ा सेक के, और ये आगे में सेक के पूरा टेस्टी वाला बना रहे थे, बोल रहे थे वो काफ़ी टेस्टी बना है, और ये सच में ही टेस्टी बना था। फिर अबू चले गए खाना खाने के लिए, इसको लेके टोपी, ये तो जैकेट है, टोपी निकालो, टोपी आई कहाँ, ओ यहाँ है, तो पहन लीजिए। हाँ ठंडा लगेगा, पहन लीजिए पहन लीजिए। यहाँ कुछ इतने सारे पराठा बन चुके हैं, मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखा पाई क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में, तो कुछ इतने टेस्टी वाले यहाँ पराठा इतने बन चुके हैं, तो मुझे बनाना है इतना कुछ ये सब खत्म करना होगा, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तभी मैं आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगी इसका भरने का तरीका, वैसे तो मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है लेकिन जितना आता है उतना ही दिखा दूंगी। अरे अरे चक्कर में दिख जाएगा, रेडी हो चुका है, तब इसको बेलेंगे। तो यहाँ कुछ इतना सतुआ बच गया जो हम लोग इसको सुबह बनाएंगे, और इधर आटा खत्म अपना, अभी लास्ट बन रहा है जो सभी का तेल, तेल खत्म हो गया। तो ये रहा अपना डिनर, आज मैं बस दो ही पराठा खाऊंगी, वैसे तो मैं ये बनता है तो दो तीन खा लेती हूँ, और इसके साथ मिलूंगी ये वाला टमाटर का चटनी, इसके साथ टेस्ट लगेगा। तो लेते हैं डिनर और चलते हैं डिनर करने के लिए। मेरी बड़ी मम्मी बैठी है मुझे खाना खिलाने के लिए, इधर इतना छोटे छोटे कोर तोड़ के और मुझे खिला रही है। आप खाइए दो और बड़ा, और देख सकते हैं आप लोग खाना खिला रही है मुझे, ऊपर ऊपर आप खाइए ना, चाहिए ना मां, नहीं बस मुझे खिला रही है, चलेगा औरी अली सब, थैंक यू, आप खा लीजिए आप, देख सकते इसको खाना खिलाने बैठी है, कितना खिलाएगी पता नहीं आज मुझे। सब सब हो गया, और ये अब नहीं खाएगा, मेरे पेट भर गया, नहीं पेट भर गया, लो ना ठीक है खाना पड़ेगा इसका। इधर प्लेट खाली हो चुका है लेकिन ये एक छोटे से टुकड़े को लेकर बार बार खिला रही है मुझे। ओली है कहाँ है, हाँ चटनी के साथ लगा लगा के क्या होती है, नहीं खत्म अब नहीं खाएगा पड़ेगा भोली को दाना, इसके वजह से अम्मी निकाल रही है रात को, ये लड़की तो सबको खाना खिलाने के लिए आ रही है, सो नहीं रही है बस इधर उधर, जाओ घर के अंदर, अभी हम लोग भोली को दे देंगे ये वाला दाना। मिल गया अपना रात का डिनर, इसके वजह से पूरा मस्त से खा रही है एकदम। मेरी भोली का आँख कितना सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग इसका आँख कितना सुंदर है, तो इसको खाने देते हैं।
अभी अपना डिनर भी हो चुका है और अब समय सोने का, इसीलिए आज के ब्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ। कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।